केंद्र द्वारा रसोई गैस सिलेंडर की कीमत कम करने पर जुबानी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। बीजेपी इसे जहां रक्षाबंधन और ओणम का गिफ्ट बता रही है, तो वहीं विपक्ष मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठा रही है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। पीएम मोदी सरकार ने 5 राज्यों में विधानसभा और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी घोषणा कर दी है। सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 200 रुपए घटाने का ऐलान कर दिया है। अब रसोई गैस के सिलेंडर को लेकर देश भर में जुबानी जंग छिड़ गई है और सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गई है। वहीं रसोई गैस सिलेंडर को लेकर झारखंड की सियासत भी गर्म हो गई है। कांग्रेस और जेएमएम ने तंज कसते हुए इसे आने वाले चुनाव का डर बताया है। ये रक्षाबंधन का तोहफा नहीं है, बल्कि ये आने वाले मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के चुनावों का डर है। क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी का एक षड्यंत्र, एक साजिश जनता के साथ शुरू हो जाता है और ये वही साजिश और षड्यंत्र का हिस्सा है। 200 रुपये कम करके अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जब सामने चुनाव दिख रहा है और चुनाव में लुटिया डूबती हुई दिख रही है, तो 200 रुपये कम कर रहे हैं। तो चुनाव के नज़दीक आने से इनको एहसास हो गया, लेकिन भारतीय इस देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो समझती है। अभी ये रसोई गैस की बात कर रहे हैं, 200 रुपये कम करके बहुत बड़ी बड़ी डींग हाँक रहे हैं। उपहार दिया हमने, उपहार नहीं, आपने उपहास किया, मजाक उड़ाया यहाँ की जनता का। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में की गई कमी के फैसले को चुनाव से जोड़ने से इनकार करते हुए इसे ओणम और रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को मोदी सरकार का उपहार बताया था। इधर कांग्रेस और जेएमएम पर झारखंड बीजेपी ने निशाना साधते हुए अपने गिरबान में झांकने की नसीहत दी है। ओणम और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे, सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपये दाम कम होंगे। और आज मैं कहना चाहता हूं, जब हम 2014 में आए थे, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब देश में मात्र 14.5 करोड़ लोगों के पास रसोई गैस का सिलेंडर था, डोमेस्टिक एलपीजी। आज वो बढ़कर 33 करोड़ हुए। तो ये सबसे बड़े बड़े बातें कहने वाले लोग हैं। अभी 200 रुपये की जो कटौती हुई है एलपीजी में, पूरा देश एक होकर इसका स्वागत कर रहा है। उसका सीधा असर आम आदमी के किचन पर पड़ेगा जब रसोई कीमतों में 200 रुपये की कटौती की गई। और चुनाव से इसे क्यों जोड़कर देख रहे हैं, हम तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों को 1.5 वर्ष पूर्व भी कम किए थे जब कोई चुनाव नहीं था। तो हर चीज़ में चुनावी राजनीति। और जेएमएम क्यों नहीं कम कर रही वैट में टैक्स, ये तो उनको भी बताना चाहिए। राजनीतिक बयानबाजी से इतर आम आदमी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में आई कमी से काफी खुश है। इनका कहना है 10 या 20 नहीं बल्कि 200 रुपए की कमी की गई है, जो काफी राहत वाली है। रुपया घट गया वो हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। 200 रुपए मायने रखता है, 10-20 नहीं 200, 1100 रुपए सोचना पड़ता था। जब 200 घटा तो हम लोग को कुछ रात को भी 200 से कुछ और हम लोग घर का सामान खरीद सकते हैं। सुन के अच्छा लगे कि 200 रेट गिर गया। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत कम करने के पीछे राजनीतिक मायने चाहे कुछ भी हो, लेकिन लंबे समय बाद घरेलू गैस के सिलेंडर के दाम में की गई कमी से आम आदमी राहत जरूर महसूस कर रहा है। रांची से समाचार प्लस के लिए प्रशांत मित्रा के साथ अंजलि कुमार की रिपोर्ट।